मौसम ने करवट बदला और करवट बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। मुगल रोड इसी की वजह से गुज़श्ता कुछ रोज़ से बंद पड़ी है, मगर आज खबरें मिल रही हैं कि बर्फ़ को हटाया जा रहा है, एक उपकरण होता है एक मशीन के ज़रिए उसको हटाया जा रहा है। यह हम आपको यहाँ पर आइस स्टॉक ग्राफी की मदद से समझा रहे हैं कि जब बर्फबारी की वजह से मेन रोड या वो मेन शाहराएँ बंद हो जाती हैं तो फिर इंतज़ामिया वहाँ से बर्फ़ को किस तरह से रिमूव करके दाएं बाएं उसको छांट चपट कर हटा कर रास्ता साफ करती है, और इस तरह से जो मेन शाहराएँ होती हैं चाहे वो कहीं की भी हों, और बिलखसूस यहाँ वो मुगल रोड की बात करते हैं जो ग्राफिक में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बर्फबारी का मंजर भी दिखाया जा रहा है। ये तो ग्राफिक है मगर ये हकीकत में भी ऐसा हो रहा है, और बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि श्रीनगर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा जो है वो जो एमरजेंसी की सूरत हाल में चालू रहे और चलने के काबिल रहे, इसके ऊपर जो वाहन हैं वो चल सकें, गाड़ियां जो हैं वो चल सकें, मगर एमरजेंसी की सूरत में यूँ तो ये बंद है। मुख्तलिफ जगहों पर बताया जाता है कि सड़क का ये जो रास्ता महदूद है, पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, आप ग्राफिक के ज़रिए इसको समझ रहे हैं। और किसी भी जगह जब पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलता है तो बर्फबारी हो जाती है, और ये बर्फबारी जो है इस यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने सड़क को बंद रखने का फ़ैसला किया हुआ है। और साथ ही साथ में चूँकि ये रास्ता इतना जो है वो स्लिपी भी है और पत्थर गिरकर रास्ता मसदूद हो जाता है, ये शाहरा ये जो है वो मसदूद हो जाती है।